हे गाइस, आई एम कोमल अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग नीट इग्नाइटर। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तुमने देखा होगा कि ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ नीट में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ये बहुत सारे कोडिंग स्टंट दे देगा तो एमआरएनए का स्टंट पूछेगा, अगर टेम्पलेट स्टंट दे देगा तो एमआरएनए का स्टंट पूछेगा, कुछ भी दे सकता है, डीएनए दे सकता है तो कोड पूछ सकता है। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होता है तुम्हें पता होना चाहिए। देखिए, चार नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं हमारे पास चार होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं मेनली, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडिन। ठीक है, तो प्यूरिन और पायरिमिडिन, प्यूरिन अग्रवाल सर द प्योर, सॉरी ऐसे कास्ट सिस्टम नहीं दिखाना है, पर हाँ एजी मतलब एडेनिन एंड ग्वानिन। तो एडेनिन और ग्वानिन जो होता है वो प्यूरिन के अंदर आते हैं, और यहाँ पर याद करिए CUT कट। ठीक है, साइटोसिन यूरेसिल एंड थाइमिडिन, यूरेसिल एंड थाइमिडिन। ठीक है, तो ये तीनों जो होते हैं ये सारे पायरिमिडीन होते हैं। और अब जब हम डीएनए के केसेस में देखते हैं तो डीएनए के केसेस में ए का साथ यू के साथ होता है, और सी का ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये जी के साथ। और इन केस ऑफ आरएनए, ये मैंने कुछ बेसिक्स बता दिए हैं क्योंकि नहीं पता हो तो ज्यादा बुरा हो जाएगा। तो ए का यू के साथ होता है और सी का जो है वो अभी भी जी के साथ ही होता है। ठीक है, तो ये जो है थाइमिन को रिप्लेस कर देता है यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए। ठीक है, हाँ, तो अभी हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए। देखो, एक जैसे कि मैंने तुम्हें कोई भी डीएनए का स्ट्रैंड दे दिया, ठीक है, डीएनए का स्ट्रैंड मतलब कोडिंग स्ट्रैंड दे दिया मैंने, कुछ भी दे दिया, जैसे कोई भी एग्जाम्पल निकाल रही हूं मैं। हाँ देखो, जैसे ये कोई डीएनए का स्ट्रैंड है जिसकी कोडिंग है, ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, यहीं से उठा लेती हूँ मैं। तो ATGCATGCATGC, बहुत लंबा है, ठीक है, इतना ही ले लेते हैं हम, काफी है। तो 5-2-3- चल रही है। अब अगर हमसे बोला कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाओ, क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाओ, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होता है, देखो एक तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये 5-2-3 है तो ये हो जाएगा 3-5, और इसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होगा, एक रिप्लेसमेंट में मैंने तुम्हें क्या बताया था, डीएनए के केस में अगर हम डीएनए से डीएनए बनाने वाले हैं तो एक ही जगह क्या आता है, एक ही जगह क्या आता है, एक ही जगह टी आता है। ठीक है, हाँ, और टी की जगह ए आएगा, जी की जगह सी, सी की जगह जी, ए की जगह टी, टी की जगह ए, जी की जगह सी, सी की जगह जी। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, मैंने बस इतना बताया है डीएनए के केस में ए की जगह टी आता है और सी की जगह जी आता है। ठीक है, तो बस यही रिप्लेस करना है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वही। ठीक है, तो ए की जगह फिर से क्या आया, टी, और इसकी जगह ए, और जी की जगह सी, जी, और यहाँ पर टी ए और सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ये दोनों डीएनए डीएनए के बारे में बात कर रहे थे हम। ये जैसे इन केस ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन में क्या होता था कि जो हमारा स्ट्रैंड होता था वो 3-5 चल रहा होता था। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड की बात कर रही हूँ मैं, नॉन कंटिन्यूअस की नहीं बात कर रही हूँ, प्लीज मेरे को गलत ठहराने के लिए कुछ भी साजिश ना करें। ठीक है, तो फिर क्या बताने वाली थी मैं कि हाँ, तो अगर कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है अगर एप्लीकेशन वाला हमारा, तो यहाँ से 3-5 इसकी पोलैरिटी होती है, तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसका एक उसूल होता है कि मैं जो सिंथेसिस करूंगा वो हमेशा 5-3 की डायरेक्शन में करूंगा, और मुझे 3- एंड चाहिए मतलब दारू एंड, OH, है ना, ऐसे याद करने का ट्रिक होता है बस, है ना, 3 पे OH आता है ना, इस वजह से। तो दारू एंड, जब उसे दारू मिलेगी तभी वो अपना सिंथेसिस करना शुरू करेगा, और वो कौन सा डायरेक्शन में करेगा, 5-3 डायरेक्शन में। तो जैसे अगर मैंने तुम्हें 5-3 वाली वो दी है पोलैरिटी, तो ये क्या बनेगा ऐसे, या फिर मुझे मतलब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर करना चाहिए था 3-5, और यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनना था, क्या बनना था, 5-3। ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट है, बट तुम कॉम्प्लीमेंट्री तो बनाना सीख गए ना, मेरा मुद्दा था कॉम्प्लीमेंट्री बनाना सिखाना। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये हम डीएनए से डीएनए बना रहे थे, ये एक होता है रेप्लिकेशन में केसेस में। तो अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन के केस में जो हमारे पास है, एक होता है हमारे पास कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, इट कोड्स फॉर नथिंग, ठीक है, ये नहीं बनाता कुछ भी, ठीक है, इसको नॉनसेंस भी बोलते हैं, नॉनसेंस स्ट्रैंड। एक होता है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है,
अब देखो तुमने देखा है ना, कुछ भी, जैसे तुम्हें कुछ भी बनाना है, कोई भी शेप में केक बनाना है, तो उसके लिए तुम एक टेम्पलेट लाते हो ना, तो वही टेम्पलेट होता है इसमें। तो टेम्पलेट जिस स्टैंड से जो बनता है उसको, इसको नॉन कोडिंग भी बोलते हैं वैसे, है ना। तो ये जो टेम्पलेट स्टैंड है इससे बनता है हमारा एक्चुअली में mRNA, क्योंकि हम क्या करने वाले थे, ट्रांसक्रिप्शन के केसेस में DNA से mRNA बनवाया जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएगा, DNA दे देगा या फिर कोडिंग स्टैंड दे देगा या फिर टेम्पलेट स्टैंड दे देगा, और हमसे पूछेगा कि mRNA बना दीजिए। तो हमें बनाने के लिए निंजा टेक्निक अपनानी पड़ेगी, तो वो निंजा टेक्निक सुन लीजिए। तो देखो कोडिंग स्टैंड की जो पोलैरिटी होती है वो होती है 5-3 डैश। अगर इसके अंदर जो भी कुछ है, कुछ भी दे रखा हो हमने, ATGC CATCAT, है ना, तीन तीन के कोडॉन होते हैं। अब ये मत कहना दीदी यहाँ पे बनाओ पूरा, कुछ नहीं बना रही मैं, है ना, बस मैं तुम्हें सिखाने आई हूँ। अगर जैसे कि इसकी जो पोलैरिटी है, टेम्पलेट की पोलैरिटी जनरली होती है 3-5 डैश, तो यहाँ पर जैसे दे रखा है TACGG, कुछ भी कर लो TA, ठीक है। तो अभी बताए इसमें क्या है ना, ये थोड़ा गंदा सा दिख रहा है ना, इसको चेंज कर देती हूँ मैं, मुझे बड़ी वीडियो नहीं बनानी है बस इसलिए। हाँ तो GGTA। तो अभी मैं क्या बताना चाह रही थी तुम्हें कि ये जो है ये हमारा कोडिंग स्टैंड है, ये हमारा टेम्पलेट स्टैंड है। अगर किसी ने हमें बोला कि mRNA बनाओ, क्या बनाओ, mRNA बनाओ, तो किसी ने हमसे बोला कि कोडिंग स्टैंड दिया है तुम्हें, कोडिंग स्टैंड जो ऊपर वाला है, कोडिंग स्टैंड दिया है, mRNA बना के दिखाइए आप जरा मोहतरमा, तो फिर आप क्या करेंगे। तो बस एक रूल, सिंपल रूल अपनाएं और कोडिंग स्टैंड पाएं, है ना। देखिए कोडिंग स्टैंड इक्वल्स टू जो भी कोड है, कोड ऑन कोडिंग स्टैंड, ठीक है, जो भी कोड है कोडिंग स्टैंड पे और जो भी कोड है कोड ऑन mRNA, ये बराबर होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट। बस एक एक्सेप्शन तो मिलेगा ना, ऐसे कैसे बराबर बोल दूं, ठीक है। एक एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन नहीं है, लॉजिकल रीजन है, ठीक है। तो टी इक्वल टू यू, क्योंकि थायमिन की जगह क्या होता है आरएनए में, यूरेसिल, ठीक है। तो अब हम बहुत आसानी से बना के दिखा देंगे। अगर हमसे कोई कहेगा mRNA बना दीजिए, तो कुछ नहीं करना है, पोलैरिटी भी चेंज नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, यानी अपने मन से कुछ भी, है ना। तो डायरेक्शन ऑल्सो सेम यही लिख देती हूँ मैं, नहीं तो तुम और भी कुछ, डायरेक्शन ऑल्सो सेम, ठीक है। अगर हमने यहाँ से शुरू किया है तो ये ही डायरेक्शन में वो mRNA बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो जो भी कुछ है देखो, ए की जगह ए, टी की जगह क्या बताया मैंने अभी तुम्हें, यू, तो टी की जगह डालिए यू, जी की जगह जी, सी की जगह सी, सी की जगह सी, नो कॉम्प्लीमेंट्री, नो कॉम्प्लीमेंट्री, अभी बताएंगे कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, यहाँ पे मत लगाना ये, ठीक है। ए की जगह ए और टी की जगह यू, तो ये जो है AUGCCAU, तो दिस इज आवर mRNA, ठीक है। तो हमारे mRNA की कोडिंग ही आ गई। अभी देखिए, अब मैं तुम्हें टेम्पलेट से बनाना सिखाती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो टेम्पलेट से भी आ सकता है ना। तो ये वाली थी, ये आ गया, तो तुम प्लीज पूरे मार्क्स ले आना, ठीक है। तो अब ये हमने देख लिया, अब हम बातें करेंगे टेम्पलेट स्टैंड के बारे में। तो टेम्पलेट स्टैंड से कैसे बनाएंगे, बताइए कैसे बनाएंगे आप, इसमें भी कुछ नहीं करना है। देखिए इसके लिए, टेम्पलेट स्टैंड के लिए सिर्फ तुम्हें एक निंजा टेक्निक अपनानी है, कॉम्प्लीमेंट्री कोड होता है, क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कोड होता है। तो इसका अगर 3-5 डैश है, तो हमारा जो mRNA बनेगा वो बनेगा 5-3 डैश की डायरेक्शन में। अब देखिए टी की जगह, ये कलर मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, टी की जगह क्या आएगा, टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता था, अरे देखिए आ जाइए तुम, ए की जगह क्या होता था, टी, तो टी की जगह थायमिन तो होता नहीं है mRNA के केस में, तो क्या डालोगे, यू, ठीक है। तो और सी की जगह क्या होता है, जी, तो टी का तो कोई है ही नहीं, अगर टी दे रखा है तो टी का क्या लिखोगे, ए, बस और क्या, मतलब क्या चाहते हो अब तुम। तो टी की जगह क्या आएगा, ए, टी की जगह हमने ए लिख लिया, फिर ए की जगह यू, सी की जगह जी, जी की जगह सी, जी की जगह सी एंड टी की जगह, बताइए, ये देखिए ए, दीदी ये तो समझ में ही नहीं आया ये क्या कर दिया, अरे भैया थायमिन तो होगा नहीं, तो थायमिन का क्या करेंगे, तो ठीक है ना। हाँ तो टी की जगह क्या है, ए, और ए की जगह यू, यू इसलिए आ रहा है क्योंकि ए की रिप्लेसमेंट में टी होता है, बट टी थायमिन इज नॉट एट ऑल इन केस ऑफ
आरएनए, हम एमआरएनए बना रहे हैं, भूल मत जाना क्या बनाने लग गए यहाँ पे, एमआरएनए बना रहे हैं। ठीक है, देखो ज्यादा थोड़ा बड़ा बड़ा सा स्लाइड हो गया, बट समझ में आ गया होगा, दोबारा बता देती हूँ एक और नेक्स्ट पेज पे। हाँ, तो नेक्स्ट पेज पे ये बताना चाह रही हूँ मैं कि कोडिंग स्टैंड का जो भी कोड है वो सेम होता है एमआरएनए पर, जो भी कोड है सिर्फ और सिर्फ टी का रिप्लेसमेंट यू से कर दें। ठीक है, बस इतना करना है। ये हो गया हमारा पहला नोट। दूसरा नोट क्या है, अगर हमें किसी ने टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया है, क्या दिया है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो हमें क्या करेगा, अच्छा यहाँ पर डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम मतलब अगर 5-2-3 है तो 5-2-3 ही बनाना है, अगर 3-5 दिया है तो 3-5 ही बनेगा। ठीक है, अब टेम्पलेट स्ट्रैंड में क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के केस में हमें कॉम्प्लीमेंट्री बनाना होता है, एम आर एन ए विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंड डायरेक्शन शुड बी अपोजिट, है ना, अपोजिट डायरेक्शन होगी। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही वही होता है यार, क्या ही मतलब, मेरे से क्या क्या करवा लोगे। ठीक है, अगर 5-2-3 डायरेक्शन है इनकी तो बनेगा 3-5, या फिर 3-5 दे रखा है तो मतलब वो बनेगा। ठीक है, दो ही कोड होते हैं सिंपल से, अब तुम जहां चाहो वहां लगा लो। अब देखो क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत लंबी तो नहीं जा रही वीडियो वीडियो, क्योंकि मैं ट्रिक्स के नाम से लाई हूँ, अब हो जाएगा कुछ और। तो देखो, तो ये वाला जो क्वेश्चन है बता देती हूँ, ये भी बोल देते हैं कहाँ पर आया था, ये भी बता दो कितना फ्रिक्वेंट आया था। ठीक है, तो AIPMT 2012 के प्रीलिम्स में आया था ये। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो पूरी कहानी लिखूं या फिर ऐसे ही बता दूं, बता ही देती हूँ। इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, हम बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं। हाँ, तो इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज एन टू बेस सीक्वेंस ए टी सी टी जी, है ना, तो उसने पूछा है कि व्हाट वुड बी द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड सीक्वेंस, है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस क्या होगा, अगर ये डीएनए का सीक्वेंस दे रखा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। अब भाई तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाना आता क्या, मैंने कितनी बार सिखाया है, एक ही जगह टी बनाओगे, बता दो एक बार, आर एन ए भैया, तो और सी की जगह, ये सी वाला सिंपल है दीदी, ना ऐसे बोल दो तुम, कुछ करना मत जीवन में। अच्छा, टी की जगह ए, हाँ यहाँ पर एक और चीज, टी की जगह ए ही आएगा क्योंकि दोनों में ए ही होता है ना। ठीक है, और सी की जगह क्या आ जाएगा, जी, और टी की जगह ए और जी की जगह सी, तो ये दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो सिंपल है ना। अब हम एक और बार देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और, ये एनसीईआरटी का आ जाएगा तो देख लेना, नहीं आएगा तो मत देखना, वीडियो में कंटेंट तो डाल ही दिया है। ठीक है, हाँ, तो अगर हमें कोडिंग स्टैंड दे रखा है और हमें एमआरएनए बनाना है, ये हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए टी जी सी, ए टी जी सी टी ए, कहाँ कहाँ चल रही हूँ मैं, यहाँ पर ए और है, ए टी जी सी, ए टी जी, अरे यार बहुत हो गया, अब नहीं हो रहा है ना, बहुत लंबा है, उसमें देख लेना एक बार प्लीज। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है कोडिंग स्टैंड और हमें बनाना है एमआरएनए। ठीक है, क्या बनाना है, एमआरएनए, तो हम एमआरएनए कैसे बनाएंगे, क्या बताया था, कोडिंग स्टैंड इक्वल्स टू एमआरएनए स्टैंड एक्सेप्ट टी इक्वल्स टू यू, बस चेंज करो, तो ए टी की जगह यू, जी सी ए टी की जगह यू, जी सी ए टी की जगह यू, जी सी ए टी की जगह यू, हाँ जी। अब देखो कोई क्वेश्चन में अगर तुमसे कुछ भी ऐसे पूछ लिया कि नहीं भाई हमें तो 3-5 डायरेक्शन में बताना है एमआरएनए, वैसे नहीं वो उसका मन है क्योंकि हमारा मन नहीं है ना। ठीक है, तो हमें सब कुछ आना चाहिए, तो यहाँ से उतारना शुरू कर दो, यहाँ से चेंज करना शुरू कर दो, और क्या है तुम्हारा क्या जाएगा, जी यू ए सी, जी यू ए सी, है ना, यू ए सी जी यू ए, ऐसे बताया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, बाकी आपका मन है, जबरदस्ती है नहीं।